दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है, और उसका जो रीज़न है वो है ये टकारा का 1017 मॉडल। ये एक ब्लूटूथ ट्रोली स्पीकर है, दिखने में ये काफ़ी ज़्यादा कूल है, और यहाँ पर आपको फुल बॉडी के अंदर फ्लेम लाइटिंग देखने को मिल जाती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं आपको पागल बना रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका जो रिव्यू है वो ऑलरेडी कर रखा है, तो हाँ नहीं, पागल नहीं बना रहा हूँ, बट इसका जो रिव्यू है वो मैं फिर से कर रहा हूँ, और मैंने उस टाइम पे बहुत सी चीज़ें मिस कर दी थी, और आज वही सब चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। उस वीडियो को आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और वही प्यार मुझे इस वीडियो के अंदर चाहिए। इस स्पीकर को लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स थे, तो आज इस वीडियो के एंड के अंदर मैं एक एक करके आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। आप में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर भी क्वेश्चन किए थे, तो उन सभी का जो आंसर है वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, और अगर आपको ये स्पीकर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना। और आपका एक डाउट मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि प्रीमियम साउंड मिल रहा है, फुल बॉडी लाइटिंग मिल रही है, मतलब कि इसका जो प्राइस है वो ज्यादा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बजट फ्रेंडली स्पीकर है, और आपको ये केवल और केवल 15,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के लिए हमने 500 रुपए का गिव अवे रखा है। गिव अवे में पार्ट लेने के लिए आपको सिंपली वीडियो को लाइक करना है, पूरा एंड तक देखना है, और एक बढ़िया सा कमेंट करना है। गिव अवे का जो रिजल्ट है वो मैं आपको संडे को पोस्ट करके बता दूंगा, तो फटाफट से जाओ और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और वीडियो को एंड तक देखो। तो बाकी डिटेल्स हम वीडियो के अंदर देखते हैं, क्योंकि हमारा जो इंट्रो है वो ही बहुत बड़ा हो गया। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रभांशु एंड यू आर वॉचिंग टेक एंड ट्रेवल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये है हमारा स्पीकर, और आप देख सकते हैं कि ये साइज के अंदर कितना ज्यादा बड़ा है और काफी ज्यादा कूल लग रहा है। तो चलिए एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे पूरी बॉडी के अंदर फ्लेम लाइटिंग देखने को मिल जाती है। जब मैंने इसको ऑन किया तब आपने देखा होगा कि जो लाइटिंग है वो नीचे से ऊपर की तरफ आती है, और अभी भी आप देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आग जल रही हो। इसमें लाइटिंग का जो कलर है वो कुछ कुछ सेकंड्स के ऊपर चेंज होता रहता है, और हाँ लाइटिंग के लिए एक सेपरेट बटन भी दिया गया है जिससे कि आप लाइटिंग के इफेक्ट को भी चेंज कर पाओगे और लाइटिंग को ऑफ भी कर सकते हो। वो जब मैं आपको बटन कंट्रोल्स के बारे में बताऊंगा तब आपको दिखा दूंगा, अभी हम इसके जो स्पीकर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ आगे की तरफ हमें 10 इंच के दो बिग साइज के स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, और पीछे की तरफ हमें एक बूफर मिल जाता है जो काफी बड़ा है और डीप है, मतलब कि यहाँ पर बेस आपको अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक सब्सक्राइब का बटन देखने को मिलेगा, तो फटाफट से दबा दो। ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे बटन्स हैं जिनके अंदर ब्लू कलर की लाइटिंग दी गई है जो कि कूल भी लगती है, और साथ ही अगर आप इसको नाइट के अंदर यूज करते हो तो आपको बटन्स वगैरह ढूंढने के अंदर काफी ज्यादा आसानी होगी। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इनपुट स्लॉट्स हैं, यूएसबी का हो गया, टीएफ या एसडी कार्ड हो गया, एयूएक्स का हो गया। इसके साथ आपको दो वायरलेस देखने को मिल जाते हैं, और अगर आप किसी कारण से उनको यूज नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे आपको वायर्ड माइक के लिए भी एक अलग से स्लॉट दिया गया है। यहाँ पे बीच के अंदर वॉल्यूम का एक बड़ा सा बटन दिया गया है जिसको घुमा के आप वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पर आपको करोके का एक डेडिकेटेड बटन देखने को मिल जाता है जिसको प्रेस करते ही हमारा जो सॉन्ग है वो ऑटोमेटिकली ही करोके के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में आने वाले प्रीमियम माइक के साथ आप लाइव सिंगिंग भी कर सकते हो। पर अगर आप इसको रिकॉर्ड करना चाहते हो तो सिंपली पेन ड्राइव इंसर्ट कीजिए और रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, और जो सॉन्ग है वो ऑटोमेटिकली ही पेन ड्राइव के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। लाइट के बटन के ऊपर क्लिक करते ही आप इसके जो लाइट इफेक्ट्स हैं उनको चेंज कर सकते हो। इनके अलावा मोड, नेक्स्ट सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग, मेन्यू और इक्वलाइजर के बटन्स मिल जाते हैं। बेस लवर्स के लिए यहाँ पे आपको मेगा बेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही अगर आपके पास ऐसे दो स्पीकर्स हैं तो और आप उनको आपस में कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको TWS का फीचर भी देखने को मिल जाता है। फिर जो भी सॉन्ग आप प्ले करोगे वो दोनों स्पीकर्स के अंदर एक साथ प्ले होने लगेगा। ये स्पीकर मेरे पास पिछले 1.5 साल से है और इसके अंदर मैंने किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आज तक फेस नहीं की है। इसका साउंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और काफ़ी ज़्यादा लाउड भी है। उसके अलावा ये फुल वॉल्यूम के ऊपर भी एकदम क्लियर साउंड देता है। अब मैं आपको इसके अंदर एक सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि इसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड और क्लियर है,
तो यार मेरे हिसाब से इससे बेटर स्पीकर आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। जहां एक तरफ JBL के स्पीकर आपको 50 से 60,000 रुपए के अंदर मिलते हैं, वहीं आपको केवल और केवल 15,000 रुपए में मिल रहा है। इस स्पीकर के पिछले वीडियो के अंदर बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किए थे, तो उन सभी का जवाब भी मैं इसी वीडियो के अंदर देना चाहूंगा। तो जो पहला सवाल है वो है हिमांशु का, भैया टकारा 1017 में चार्जिंग और डायरेक्ट लाइट से भी चला सकते हैं क्या? तो हाँ भाई, आप इसको डायरेक्ट लाइट से भी चला सकते हो और इसको बैटरी से भी ऑपरेट कर सकते हो। तो दूसरा सवाल भी इन्हीं का है कि भैया बैटरी कितनी चल जाती है इसकी? तो भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हूँ बॉक्स के ऊपर, तो जब मेरे पास वो बॉक्स था तो उसके ऊपर यहाँ पे 4 से 5 घंटे मेंशन थे। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेरे रियल ओपिनियन की, तो यहाँ पे ये 2.5 से 3 घंटे आराम से कवर कर देता है। तीसरा सवाल है शेर सिंह जी का कि भैया ये मॉडल कौन सा है? तो भाई ये है टकारा 1017। चौथा सवाल है VIP टेक न्यूज़ की तरफ से, सर ये लाउड गैस है? तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा लाउड है, इसकी जो आवाज़ है मुझे काफ़ी दूर दूर तक सुनाई देती है, और अगर हम पास भी बैठे रहते हैं तो इसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है, उसकी जो बेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। पांचवा कमेंट है देवराज मलिक का कि ब्रो फ्लोबिट से लेना था ना? तो भाई जब मैंने ये स्पीकर बाई किया था तब मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, बहुत सारे मैंने स्पीकर्स देखे और सबसे बेस्ट मुझे ये स्पीकर लगा, तब मैंने इसको जाके बाई किया था। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने सारे दोस्तों के अंदर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।